ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। तो इसके अंदर हमें पता है कि बहुत सारा जो यूरिक एसिड होता है वो रिलीज़ होता है। तो एक तो इसके अंदर फीचर हो गया हाइपर यूरिक ईमिया। अब बहुत सारा यूरिक एसिड जो होता है वो कॉज कराता है एसिडोसिस। तो इसके अंदर और क्या देखने को मिलता है? एसिडोसिस देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको याद रखना पड़ेगा इसके अंदर और दो चीज़ें बढ़ती हैं, यू के पी या पी के यू, याद रख लो, पी के यू, फिनाइल कीटोन यूरिया, ये इसका निमोनिक है। तो और क्या बढ़ता है इसके अंदर? हाइपर फॉस्फेट ईमिया। फॉस्फेट बढ़ गया, कैसे हो गया हाइपर कैलीमिया, और यू से हो गया हाइपर यूरिकीमिया। इसमें एक चीज़ घटती है जो हो गई हाइपो, घटती है कैल्सीमिया। तो आपको ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के लिए याद रखना पड़ेगा फिनाइल कीटोन यूरिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन चीज़ें जो है वो बढ़ती है, हाइपर फॉस्फेटीमिया, हाइपर कैलीमिया और हाइपर यूरिसीमिया। घटती क्या है? हाइपो कैल्शीमिया। तो ये हो गया ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। इसका मैनेजमेंट क्या है? एलोपीरिनोल, अग्रेसिव हाइड्रेशन विद सेलिन, फबक्सोस्टेट और रेस्पेरिकेज, ये दो मेडिसिन है वो दे सकते हैं, और हीमोडायलिसिस।